So we are going to start today another lecture for KUNT test preparation. And this is the lecture number 13 for general knowledge. And this lecture today I'm going to deliver, this is about famous personalities. The famous personalities of the world. So here we will discuss several MCQs. In each of the MCQs I'm going to show you the portrait of a person. And you are going to tell me that, and there is also a hint about that person. And you have to say me ke, हु इज़ द साइंटिस्ट के वो कौन सा साइंसदान है या वो कौन सा शख्स है ये जो कि जिसकी पोर्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ ग्रेट मैनी थिंग्स वी विल डिस्कस हियर टुडे इन दिस लेक्चर. सो द फर्स्ट पोर्ट्रेट इज ऑन द बोर्ड एज यू कैन सी. सो कैन यू नेम दिस वाइडली कोटेड प्ले राइट? सो दिस पर्सन इज अ वाइडली कोटेड प्ले राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने प्ले लिखे या सबसे ग्रेटेस्ट, क्या नाम है इसका? यस, ओके, यू आर राइट आंसर. द करेक्ट आंसर इज़ विलियम शेक्सपियर. सो विलियम शेक्सपियर इज़ अ वाइडली कोटेड प्ले राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे ज़्यादा जिनकी डायलॉग्स का हवाला दिया जाता है या जिनकी कोटेशन से ही आती हैं सबसे ज़्यादा, वो विलियम शेक्सपियर है. इस तरह से हमारे पास कुछ 32-33 क्वेश्चंस हैं जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे. Now the second question. This French leader dominated many European countries in the early 19th century. 19वीं सदी के शुरू में ये जो पिक्चर है एक फ्रेंच एम्परर की है जिसने बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ पर कब्ज़ा जमा लिया था अपना. तो इनमें से ये कौन है ये लीडर? लुइस द 14th, रेने द कार्तेस, शार्लेमेन या नेपोलियन बोनापार्ट? यू नो द ग्रेटेस्ट फ्रेंच एम्परर एवर रूल फ्रांस. किस किन चारों में से किसके दौर में सबसे ज़्यादा फ्रांस डेवलप था या फ्रांस पावरफुल था? यू नो दिस पर्सन? डोंट नेवर सीन द पोर्ट्रेट. ओके, ही इज नेपोलियन बोनापार्ट. ये नेपोलियन बोनापार्ट है, उसकी पोर्ट्रेट है. तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज पर इसका कब्जा था 19वीं सदी में, 1800 to 1899 के इन बिटवीन. एक डिक्टेटर था, एक जर्नल था फ्रेंच. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ही केम इन एंड देन बिकेम द लीडर और एम्परर ऑफ फ्रांस. इंकलाब फ्रांस के बाद आए थे ये नेपोलियन बोनापार्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जर्नल्स इन हिस्ट्री. ही इज दैट पर्सन. थर्ड क्वेश्चन, कैन यू नेम दिस मैन हु कैंपेन्ड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस? यस, ओके, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वेरी फेमस इंडियन लीडर महात्मा गांधी. यू नो दिस, दिस इज ईजी. दिस मैन सर्व्ड एज द यूनाइटेड स्टेट्स 35th प्रेजिडेंट अंटिल हिज थर्ड ईयर इन ऑफिस व्हेन ही बिकेम असैसिनेटेड. ये अमेरिका के 35वें सदर थे जिनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि इंग्लैंड के, वो अमेरिका के दो प्रेसिडेंट हैं सिर्फ जिनको गोली लगी है या जिनको मारा गया है, जिनको असैसिनेट किया गया है. उनमें से एक तो अब्राहम लिंकन थे और दूसरे ये हैं. व्हाट इज हिज नेम? यस, ओके, यस, ही इज जॉन एफ कैनेडी और जे एफ कैनेडी. इन्हीं के नाम पर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जॉन एफ कैनेडी. और जे एफ कैनेडी, ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ऑफ हिज टेन्योर. जब वो तीसरा साल उनका चल रहा था, 5 साल की हुकूमत होती है ना, तो तीसरे साल में उनको गोली मार दी गई थी. अब्राहम लिंकन की था. दिस एंशियंट ग्रीक किंग इज फेमस फॉर ओवरटेकिंग द पर्शियन एम्पायर. ये मशहूर यूनानी बादशाह जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की, जिसने पर्शियन एम्पायर को, दैट्स इजी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम.
काफ़ी पुराना बादशाह है कदीम ज़माने का, तो उसकी पिक्चर पेंटिंग जैसे इसमें बनी हुई है। दिस इज अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम जिसको कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कैन यू नेम दिस सिविल राइट्स लीडर, क्या आप इस सिविल राइट्स के लीडर का नाम बता सकते हैं जिसने नॉर्मली ब्लैक अमेरिकन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, अमेरिका में जो ब्लैक और वाइट के बीच में जो तजाद था, ठीक है, तो ब्लैक अमेरिकन होते हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो ये बंदा खड़ा हुआ था और उसने उनको राइट्स दिलवाए थे ब्लैक अमेरिकन को जो आज भी मौजूद हैं। रेसिज्म को इसने ख़त्म किया था अमेरिका से, नस्ल परस्ती को। क्या नाम है इस बंदे का? पता है इसका नाम? मार्टिन लूथर किंग। दिस इज कॉल्ड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ही वॉज वेरी फेमस फॉर एबॉलिशिंग रेसिज्म फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच इंग्लिश साइंटिस्ट रोट ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, इनमें से किस साइंटिस्ट ने ये किताब लिखी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जिसमें एवोल्यूशन के बारे में बताया गया? यस राइट, सो द करेक्ट आंसर इज बी चार्ल्स डार्विन। सो ही इज डार्विन जिन्होंने एवोल्यूशन नजरिए इर्तिका पेश किया बायोलॉजी के अंदर। विच सोवियत यूनियन लीडर बिगेन द ग्रेट पर्ज, कौन से सोवियत यूनियन आप जानते हैं, दिस इज एक्चुअली USSR और यू कैन ऑल्सो कॉल इट रशिया। ये कौन से मशहूर रशियन लीडर थे जिन्होंने द ग्रेट पर्ज स्टार्ट किया? द ग्रेट पर्ज में क्या किया था कि ही बिगेन टू एलिमिनेट ऑल हिज राइवल्स, जितने भी इनके पॉलिटिकल राइवल्स थे तो उनको उन्होंने मारना शुरू किया था। 30 years तक ये शख्स रशिया का प्रेसिडेंट रहा, रशिया का लीडर रहा। World War II भी इसी के दौर में हुई थी जब रशिया का लीडर ये शख्स था। जानते हैं इसका नाम? नहीं पता? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन इज द नेम ऑफ दिस रशियन डिक्टेटर जो 30 years तक जिसने रशिया पर कब्जा किया रखा। स्टालिन इसका वर्ड, स्टालिन रशिया वर्ड है, स्टालिन का मतलब होता है मैन ऑफ स्टील, स्टील का आदमी। बिकॉज ही वॉज रियली स्ट्रॉन्ग एज पर हिज पॉलिटिक्स, और उसके दौर में रशिया जो है सुपर पावर था रूस दुनिया भर की, तो उस वक्त सोवियत यूनियन था, World War II की बात कर रहे हैं। हु इज दिस इन्फ्लुएंशियल हॉरर राइटर, ये कौन से बड़े मशहूर अमेरिकन हॉरर राइटर हैं जिन्होंने ड्रावनी कहानियां लिखी अक्सर? आई थिंक यू डोंट नो इट। दिस इज बी एडगर एलन पो। तो एडगर एलन पो इज अ वेरी फेमस अमेरिकन हॉरर राइटर हु यूज टू राइट अ लॉट ऑफ हॉरर स्टोरीज, बहुत सी हॉरर स्टोरीज लिखी उन्होंने, एडगर एलन पो। सर ये क्वेश्चन तो आई थिंक के क्वेश्चन गलत आ गया उसके अंदर, छोड़ दे उसको। ये देखे, विच थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट क्रिएटेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जो पिक्चर है, दिस पिक्चर बिलोंग्स टू अल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट। लियोनिदिस ग्रीक क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर हु वॉज टॉट बाय प्लेटो, ये कौन सा मशहूर यूनानी फलसफी है जिसका उस्ताद था प्लेटो? प्लेटो मतलब जिसको उर्दू में कहते हैं अफलातून। ये शख्स अफलातून का शागिर्द था। कौन है ये शख्स? यस, दिस इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज अ वेरी फेमस ग्रीक फिलोसोफर, उर्दू में इसको हम लोग लिखते हैं अरस्तु। अरस्तु और एरिस्टोटल, ही इज़ अ फेमस ग्रीक फिलोसोफर, बहुत पुराने ज़माने की बात है। इसकी स्टैचू मौजूद है, तो स्टैचू पे की पिक्चर है, रियल तो पिक्चर थी नहीं उस ज़माने में। हु वॉज द 16th प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? यस, हु इज दिस पर्सन?
यस दिस इज अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन वॉज अ पर्सन हु एक्चुअली अबॉलिश स्लेवरी फ्रॉम अमेरिका. जो गुलामी को जिसने निजात दी थी अमेरिका को, गुलामी का सिस्टम ख़त्म किया था अमेरिका से. हु इज़ दैट पर्सन. वो 16वें सदर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, अब्राहम लिंकन. विच स्टूडियो क्वीन हैज़ द निक नेम द वर्जिन क्वीन? Tudor Queen. Tudor is actually the House of Tudor. House of Tudor. It was actually a British. Royal family. एक British royal family थी जिसको कहा जाता था House of Tudor. उसमें काफ़ी सारे बादशाह गुजरे हैं, मिल्काई गुजरी हैं. उनमें से एक क्वीन वो थी जो जिनको द वर्जिन क्वीन कहा जाता था. द वर्जिन क्वीन विक्टोरिया डिड नॉट बिलोंग टू हाउस ऑफ ट्यूडोर. तो अभी जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली चल रही है उससे ताल्लुक़ रखती थी ये. शी वॉज एलिजबेथ द फर्स्ट एलिजबेथ. शी वॉज द लास्ट किंग ऑफ ट्यूडोर फैमिली, लास्ट क्वीन ऑफ ट्यूडोर फैमिली. तो ट्यूडोर फैमिली की जो लास्ट मोनार्क थी वो एलिजबेथ द फर्स्ट थी. इसके बाद ये ख़ानदान ख़त्म हो गया, फिर एक नया ख़ानदान आया जो आज तक राइज है ब्रिटिश रॉयल फैमिली के अंदर. इनको वर्जिन क्वीन इसलिए कहा जाता था कि शी नेवर मैरिड. उन्होंने कभी शादी नहीं की. तो वो ये नहीं चाहती थी कि अपने जो वो कहती थी अगर शादी कर लेंगे तो फिर मेरे पावर में, मेरी ताकत में एक और शख्स भी जो है वो हिस्सादार हो जाएगा. तो उन्होंने इस वजह से शादी ही नहीं की, जिसकी वजह से ये ख़ानदान ख़त्म हो गया और फाइनली नया ख़ानदान आ गया जो आज तक चल रहा है. तो ये लास्ट क्वीन थी एलिजबेथ द फर्स्ट, मलिका एलिजबेथ अव्वल इनको कहा जाता था. अभी जो कुछ दिन पहले जिनकी वफात हुई तो क्वीन एलिजबेथ द सेकंड थी, मलिका एलिजबेथ दोएन. ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है. नेम दिस फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर. ये एक मशहूर इटली के प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान. इटली को ये समझ लो, इटली के जो वज़ीर आज़म थे वो यही थे. नहीं, वॉज अ पर्सन हु एक्चुअली इंडल्ज्ड इटली इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ इटली. सो द पीपल ऑफ इटली एक्चुअली बर्न हिम इन द मार्केट प्लेस. तो लोगों ने उसको जला दिया था, इसको, इस शख्स को. यू नो दिस इज ए ऑप्शन करेक्ट, बेनिटो मैसोलिनी. तो बेनिटो मैसोलिनी ये जो है उसके इसका नाम था और ये बिलोंग करते थे फासिस्ट पार्टी से, फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली. तो एज लाइक एडॉल्फ हिटलर ही वॉज ऑल्सो अ डिक्टेटर ऑफ इटली. और वर्ल्ड वॉर टू में ये हिटलर के साथ ही थे, एडॉल्फ हिटलर के, जर्मन प्रेसिडेंट के साथ. तो बेनिटो मैसोलिनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू ये ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. This one of Rome's famous generals and rulers who many people mistake as an emperor. ये रोम के बड़े मशहूर जनरल थे या जनरल और रूलर्स में से एक थे. ज़्यादातर लोग इनको एम्पायर समझते हैं, शहनशाह, लेकिन ये बादशाह नहीं था रोम के, लेकिन रोम के एक बहुत मशहूर जनरल थे. तो आप जानते हैं कि इनका ये किसकी पोर्ट्रेट है या रोम के सबसे मशहूर फौजी जनरल कौन थे, रूलर कौन था, हुक्मरान कौन था उसका? Nobody knows. So सी जूलियस सीजर. जूलियस सीजर इज़ द नेम. इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था, कैलेंडर बनाया था, जो कैलेंडर आप आज यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वो कैलेंडर कहलाता है जूलियन कैलेंडर. दैट्स वाई ये कैलेंडर हमारे पास जूलियन कैलेंडर कहलाता है. और इन्हीं के नाम पर ये जो है ना जुलाई का महीना भी है कैलेंडर के अंदर, द मंथ ऑफ जुलाई. तो जुलाई का नाम जूलियस सीजर से निकला. जुलाई का महीना जो आता है ना सातवां महीना, वो इन्हीं के नाम पर आता है. तो जूलियस सीजर वॉज वन ऑफ द ग्रेट रोमन एम्पायर. ये रोमी शहनशाह थे और उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था वैनी वैदी विसी, वैनी वैदी विसी, मतलब आई केम आई सॉ एंड आई कंकेयर.
मैं आया, मैंने देखा, मैंने फतेह किया। तो बाद में इनको भी असैसिनेट कर दिया गया था, चाकू मार दिए गए थे उनको, और उनको लोग उनको पसंद नहीं किया करते थे, जूलियस सीजर को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज होती है, ओके। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज? यस, मैरी क्यूरी और मैडम क्यूरी। यू नो शी डिस्कवर्ड रेडियम एंड शी वॉन्ट टू नोबेल प्राइज, वन इन फिजिक्स एंड वन इन केमिस्ट्री। रेडियम पोलोनियम उन्होंने डिस्कवर किया था, इनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला था, पैरी क्यूरी नाम था उनका। तो पहली खातून जो थी, बाद में तो मलाला यूसुफ़ज़ई को भी मिला, लेकिन फर्स्ट जो मिला था उनको मिला था मैडम क्यूरी को। विच इंग्लिश फिजिसिस्ट एंडेड अप बीइंग नाइटेड? कौन से ब्रिटिश इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, तबियतदान थे, जिनको सर का खिताब दिया गया, जिनके नाम के साथ सर लगा होता है? एंड ही इज़ द साइंटिस्ट हु एक्चुअली वर्कड विद द लाइट, लाइट पर भी उन्होंने काम किया और कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट पेश की। ग्रेविटी को भी डिस्कवर किया। यस, वेरी इजी। सो दिस पर्सन इज सर आइजैक न्यूटन। सुना होगा नाम आपने अक्सर इनका, फिजिक्स के अंदर तो भरा पड़ा इनका, आइजैक न्यूटन। सो सर आइजैक न्यूटन कहा जाता था इनको, इनको नाइटेड, मतलब नाइटहुड से नवाजा गया था इनको, जो है वो सर का खिताब मिला था उस वक्त की मलका की तरफ से। दिस रेनेसांस पेंटर, साइंटिस्ट एंड स्कल्प्टर आल्सो बिकेम फेमस फॉर हिज नोटबुक स्केचेस। रेनेसांस, रेनेसांस किसे कहते हैं? निशाते सानिया। यूरोप जो है एक वक्त था कि डार्क एजेस में, तारीकी में डूबा हुआ था, फिर जब उस तारीकी से निकला तो उसके अंदर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई जिसको रेनेसांस कहा जाता था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इनमें से ये एक साइंटिस्ट आए जो बिलोंग करते थे इटली से, इटाली से। एक इटालियन पेंटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, स्कल्प्टर भी थे। मशहूर मशहूर पेंटिंग उन्होंने की, मोनालिसा की जो मशहूर पेंटिंग है लोअर म्यूजियम के अंदर फ्रांस में, इन्होंने ही बनाई। ठीक है, क्या नाम था इनका? यस यस, लियोनार्डो डा विंची, डी ऑप्शन। सो इज़ अ वेरी फेमस इटालियन पेंटर, स्कल्प्टर ए साइंटिस्ट। सबसे पहले हवाई जहाज़ का मॉडल भी दुनिया में उन्होंने ही बनाया था, एरोप्लेन का। दैट वॉज लियोनार्डो डा विंची। द लास्ट सपर बहुत मशहूर पेंटिंग इनकी, मोनालिसा एक मशहूर पेंटिंग इनकी। तो नोटबुक स्केचेस, मतलब अपने नोटबुक में वो स्केचेस बनाया करते थे जो आगे जाकर दुनिया भर में मशहूर हो गए। तो ये रेनेसांस पेंटर थे, इनके बाद से ही क्या हुआ कि यूरोप के अंदर तरक्की और खुशहाली और उसके अंदर साइंस जो है वो उरूज पाना शुरू हो गया। हु डिड विलियम फॉकनर कॉल द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर? ये कौन से शख्स हैं द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, अमरीकी अदब के बानी? यू नो द नेम इज मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन इज द फादर ऑफ इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर। अमरीकी अदब के जो बानी थे वो थे मार्क ट्वेन। जस्ट रिमेंबर द नेम। विच आर्टिस्ट इज द मोस्ट फेमस फाउंडर ऑफ क्यूबिस्ट मूवमेंट? इनमें से को ये साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट कह रहा हूँ, सॉरी आर्टिस्ट हैं। यस, ही इज एक्चुअली पैब्लो पिकासो। पिकासो वॉज अ ग्रेट पेंटर, ही ऑल्सो बिलोंग टू इटैली। और क्यूबिस्ट मूवमेंट, क्यूबिज्म की थ्योरी इनके अंदर थी, क्यूब टाइप के पिक्चर्स ये बनाया करते थे, क्यूब्स में। बहुत मशहूर है दुनिया भर में, इनकी बहुत महंगी पेंटिंग बिका करती थी। पैब्लो पिकासो की सुना होगा आपने इनके बारे में, तो पैब्लो पिकासो। पेन भी आते हैं इनके नाम पर, तो बॉल पॉइंट आते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पिकासो बॉल पॉइंट तो इन्हीं के नाम पर है, पैब्लो पिकासो के नाम। हु वॉज रिकॉर्डेड एज अमेरिकाज ग्रेटेस्ट इन्वेंटर? अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंटर है ये, जिनको हम ये भी कहते हैं मैजिशियन ऑफ मेनलो पार्क, मेनलो पार्क का जादूगर। यस, दिस इज एडिसन, मैजिशियन ऑफ मेनलो पार्क। ही इज थॉमस एल्वा एडिसन, द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, बल्ब के ईजाद करने वाले हैं। और उसके अलावा
200+ इन्वेंशन्स उन्होंने किए हैं, 2000 से ज़्यादा चीज़ें ईजाद की, जिनमें बल्ब, ग्रामोफोन ये हमारे पास बड़े फेमस हैं, और भी काफ़ी चीज़ें ईजाद की। दिस आयरिश ऑथर मेड अ लिविंग ऑफ हिज सैटिरिकल प्लेस। ये आयरलैंड के वो कौन से राइटर थे जिन्होंने ज़्यादातर तंजिया प्लेस लिखे? इन्होंकी सेकेंड ईयर में आपने इनके एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, द डिवोटेड फ्रेंड, सेकेंड ईयर इंग्लिश में जो चैप्टर है वो इन्होंने लिखा था, द डिवोटेड फ्रेंड। डू यू नो द नेम ऑफ हिम? इन्हीं का एक जुमला था, आर्ट फॉर आर्ट सेक। फन को फन की खातिर किया जाना चाहिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ऑस्कर वाइल्ड, दिस पर्सन इज ऑस्कर वाइल्ड, द राइटर ऑफ डिवोटेड फ्रेंड, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, बड़ी मशहूर इनकी एक नॉवेल थी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। और तो ये आयरिश थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। तो दिस इज ऑस्कर वाइल्ड, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी ऑस्कर वाइल्ड ने। कैन यू आइडेंटिफाई दिस एनलाइटमेंट राइटर? एनलाइटमेंट ने मतलब रोशन ख्याल, क्या आप इस रोशन ख्याल राइटर का नाम जानते हैं जिन्होंने रोशन ख्याली के बारे में बताया? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बारे में लिखा। फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रेंच थे ये, ही बिलोंग्स टू फ्रांस। तो ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म का शिकार किया, क्रिटिसाइज किया करते थे फ्रेंच एम्परर्स पर। और एक बड़ा मशहूर क्रिटिक नॉवल उन्होंने लिखा था कैंडिड के नाम से, बड़ा मशहूर हुआ। बड़े मशहूर कोटेशन उन्होंने लिखी, इन्होंने कहा था कि द मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरी वेयर ही इज़ इन चेन्स। इंसान पैदा तो आज़ाद हुआ है लेकिन हर जगह पर वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू मनी, जब बात आती है पैसे की, व्हेन इट कम्स टू मनी एवरीबडी इज ऑफ द सेम रिलीजन। जब बात पैसों पर आ जाती है तो सबका मजहब एक हो जाता है। नो इज नॉट, ही वॉज नॉट जॉन लॉक, ही वॉज वोल्टायर। ये वोल्टायर थे, बड़े मशहूर कोटेशन है, फेसबुक पर भी आप सुनेंगे इनको, लोग शेयर करते हैं फेसबुक पे अक्सर। तो कोटेशंस काफ़ी कहते हैं, एनलाइटमेंट राइटर थे, रोशन ख्याल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में काफ़ी अक्सर बताया था, मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए और सोच की इजहार की आज़ादी होनी चाहिए। कहा करते थे कि आई विल नॉट अग्री अपॉन व्हाट डू यू से बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से टिल माई लास्ट ब्रेथ। मतलब जो आप कहते हैं शायद मैं उससे सहमत ना हूँ, मैं उससे अग्री ना करूँ, लेकिन जो आपके बोलने का हक है उसको मैं आखिरी सांस तक उसको डिफेंड करूँगा। कि आपको, आप हर इंसान को बोलने का हक है, इजहार राय है, मतलब वो स्पीच का फ्रीडम है, जो चाहे वो बोल सकता है। वो अलग बात है कि मैं उससे एग्री करूँ या ना करूँ, लेकिन बोलने का हक हर किसी का, अग्री ना करूँ मेरी मर्ज़ी, बट ये हक लोगों को दिया जाना चाहिए, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बड़ी मशहूर किताबें लिखी, 2000 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं। वोल्टायर एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, थिंकर थे, हु रूल्ड इजिप्ट फ्रॉम 51 टू 30 BC। ये खातून थी जिन्होंने 51 से 30 BC तक इजिप्ट में, मिस्र में राज किया, इजिप्ट में। क्वीन विक्टोरिया, यस, क्लियोपेट्रा, शी वॉज क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रिया वॉज नोन टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वॉज ऑल्सो नोन टू टेक बाथ विथ मिल्क। कहा जाता था कि ना, मतलब कि जब ये दूध से जो है उससे वो उससे बाथ लिया कर, उससे नहाया करती थी, ठीक कहा जाता, उसको अपनी खूबसूरती ऊपर करने के लिए, अपनी ब्यूटी को जो है ना वो करने के लिए, बरकरार रखने के लिए। मतलब इनके बारे में मशहूर है, बहुत खूबसूरत थी ये क्लियोपेट्रा, शी टुक बाथ फ्रॉम मिल्क। Who led armies to create the Mongol Empire?
इनमें से कौन सा शख्स था जो लीडर था मंगोल एम्पायर का, जिसने मंगोल एम्पायर को बहुत आगे लेकर गया? यस, चंगेज खान, गेंगिस खान लिखते हैं उसको इन इंग्लिश, मंगोलिया से बिलोंग करते थे, उर्दू में उसको कहते हैं चंगेज खान। ये वो शख्स थे जिन्होंने मंगोल एम्पायर क्रिएट किया था, मंगोलों को आगे बढ़ाया था और दुनिया भर में इनका कब्ज़ा फिर हुआ था। बड़ी लंबी सल्तनत मंगोलों ने भी बनाई थी अपनी। तो ये एक पोर्ट्रेट है मंगोल खान की, मतलब स्टेचू है, पिक्चर नहीं था उस दौर में, हज़ार साल पुरानी बात है। दिस मैन वॉज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड हॉली मैन। ये एक ऐसा शख्स था जो खुद को बड़ा मुकद्दस शख्स कंसिडर किया करता था और ख़ुद को बड़ा एक स्पिरिचुअल पर्सन माना करता था। रशिया से बिलोंग करता था, रशियन ज़ार डायनेस्टी, जो ज़ार डायनेस्टी थी उसमें इसके बड़ा इन्फ्लुएंस था। ज़ार आखिरी बादशाह था निकोलस द सेकेंड, उसमें बहुत ज़्यादा ये समझ लो उसका इन्फ्लुएंस था, हर चीज़ों में उनके शामिल होता था, रशिया की जो लास्ट जो कह लो एम्परर फैमिली थी। तो ये हिप्नोटिज्म की भी सलाहियत इसके अंदर थी। तो ही हैड अ वेरी शार्प आइज़, लोग कहते थे जो उसकी आँखों में देखता था तो वो उसको अपना हम ख्याल बना लेता था, मतलब हिप्नोटाइज कर दिया करता था दो देख कर लोगों को, और अपना हम ख्याल बना लेता था, फिर जो चाहता था लोग ऐसा करते थे। तो एक एविल पर्सन, इसी को मैड मॉन्क भी कहा जाता था, ही वॉज द मैड मॉन्क ऑफ रशिया, मैड मॉन्क, एक पागल राहिब के नाम से ये मशहूर था, मैड मॉन्क के नाम से रशिया के अंदर। तो हु इज़ दिस पर्सन, यू नो, कभी सुना इसके बारे में? ही इज़ रास्पुटिन। और रास्पुटिन की कहानी कभी आप सुनोगे, रशिया से बिलोंग किया करता था, इसकी स्पिरिचुअल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लोग कहते थे जिसको देखता था उसको अपना हम ख्याल बना लेता था, हिप्नोटिज्म टेलीपैथी इन चीज़ों में बहुत आगे था, ठीक है, उसकी आँखों में एक चमक थी जो लोगों को दिखा करती थी, ठीक है। ही वॉज रास्पुटिन द मैड मॉन्क। दिस मैन वॉज एन इन्वेंटर एंड स्टडीड इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ये शख्स था सर्बिया से बिलोंग किया करता था, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की, बहुत सारी चीज़ें बनाई और फिज़िक्स में बड़ा काम किया, मोटर वगैरह, इस जनरेटर जो आप यूज़ करते हैं जनरेटर इसी की जाती है इस बंदे की। फिजिक्स में भी आपने इसको पढ़ा होगा, इसके नाम पे यूनिट भी है आई थिंक मैग्नेटिक, यस, दिस इज निकोला टेस्ला। टेस्ला मोटर का नाम सुना होगा, टेस्ला कॉइल, तो निकोला टेस्ला इन्हीं के नाम पर, एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला मोटर वो इन्हीं के नाम पर है, जो एलोन मस्क ने कंपनी बनाई हुई अपनी, जो बैटरी से गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं। तो ये शख्स था टेस्ला, सर्बियन इन्वेंटर था, उसके नाम पर। हु सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के दौर में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इन चारों में से जंगे अजीम दो में राइटर भी थे बहुत बड़े, बस इन्होंने यही कहा करते थे अगर राह चलते हुए अगर आप हर एक डॉग को पत्थर मारते रहेंगे तो कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे। यस, सर विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन चर्चिल वॉज सर्व्ड एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन और यूके ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जंगे अजीम दोइम के दौरान, 1939 टू 1945। द करेक्ट आंसर इज ए। Who served as Prime Minister during World War II? No, sorry. ये गलत क्वेश्चन आ गया उसके अंदर। Who was a daughter of Nicholas II? अभी मैंने आपको ज़ार डायनेस्टी के बारे में बताया था, जो आखिरी डायनेस्टी थी ज़ार डायनेस्टी, उसको टी सार लिखते हैं, टी सार डायनेस्टी, ज़ार पढ़ते हैं उसको। ज़ार डायनेस्टी वॉज द लास्ट एम्परर्स ऑफ रशिया, रूस के आखिरी एम्पायर्स थे ये, ठीक है। तो इनके तो निकोलस टू नाम था उनको, उनकी एक बेटी थी जो गायब हो गई थी, जो किडनैप हो गई थी, उसके बाद उसको कुछ अता पता ना चला वर्ल्ड वॉर वन के एंड में। लोग कहते थे रास्पुटिन जो मैड मॉन्क था उसने उसको किडनैप कर लिया था, उसने उसको अगवा कर लिया था, उसने उसको गायब कर दिया था, लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं अक्सर। तो उसकी इस बेटी का नाम था ग्रैंड एकेस, मतलब ये तो इनका लकब था, एनेस्टेसिया, एनेस्टेसिया नाम था इस बच्चे का, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान गायब हो गई थी, ये जो रशियन बादशाह थे उनकी बेटी थी। लोग अक्सर कहते थे रास्पुटिन ने उसको किडनैप कर लिया था एट द एंड वर्ल्ड वॉर वन के आखिर में। ये भी एक मशहूर कैरेक्टर है हिस्ट्री की किताबों के अंदर। हु क्रिएटेड द स्कल्प्टर डेविड।
यूरोप में एक मुजस्मा है डेविड के नाम से, बड़ा मशहूर एक शख्स है, वो खड़ा हुआ है, डेविड स्टेचू कहते हैं उसको। तो वो किस यूरोपियन स्कल्प्टर ने उसको बनाया था? आई थिंक यू डोंट नो, दिस इज़ माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो नाम सुना होगा आपने, वो था ऑल्सो स्कल्प्टर, मुजस्मा साज थे। डेविड नाम का मुजस्मा माइकल एंजिलो ने बनाया था, बहुत मशहूर है ये भी दुनिया में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कल्प्टर्स। ही वॉज एबल टू कैप्चर लाइटनिंग, ये वो शख्स थे जिन्होंने लाइटनिंग को कैप्चर कर लिया था। लाइटनिंग से हमारा बिजली जो कड़कती है, उसकी कहानी आपने कहीं बचपन में सुनी होगी कि उन्होंने एक स्टील के तार से पतंग में बांध दिया था और पतंग उड़ा रहे थे स्टील के तार से, और उसका जो डोर थी उसकी, उसको चाबी से कनेक्ट कर लिया था और चाबी को ज़मीन में गाड़ दिया था। जब बिजली कड़की थी तब वो फिर स्टील के तार से होते हुए ज़मीन तक आ गई थी। तो ये शख्स ने ऐसा किया था, और यही शख्स अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अमेरिका के सदर भी रह चुके हैं ये। किसी एक डॉलर बिल पर, या शायद $1 या $100 पर इनकी पिक्चर भी लगी होती है, $1 या $100 के नोट पर देखा होगा आपने। तो ये इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो दिस इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन, द प्रेसिडेंट ऑफ द USA, एज वेल एज ही वॉज अ साइंटिस्ट, साइंसदान भी थे। लाइटनिंग को कैप्चर किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए। हु कॉइंड द फ्रेज आई थिंक देयर फॉर आई एम, एक फ्रेंच फिलासफर थे जिन्होंने ये जुमला कहा था, आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। तो लैटिन लैंग्वेज में इसको कहा जाता था कॉजिटो सम, कॉजिटो सम, आई थिंक देयर फॉर आई एम। इन्होंने खुदा के वजूद को साबित किया था फिलोसॉफिकली, ठीक है। तो उन्होंने फलसफे के जरिए द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा के वजूद को साबित किया था और अपनी एग्जिस्टेंस को साबित किया था, और कहा था आई थिंक देयर फॉर आई एम, चूंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा वजूद है। ये कौन शख्सियत है पता है? ही इज रेने डेस्कार्तेस, और रेने डिकार्त। रेने डिकार्त वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर जिन्होंने ये मशहूर जुमला कहा था, आई थिंक देयर फॉर आई एम,